नमस्कार, देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौर्या ठाकुर। साजिश में सबसे पहले बात उसे किस साल की माया रेगेव की, जिसने हमास जैसे संगठन को झुकने पर मजबूर कर दिया। 50 दिनों तक हमास की कैद में रही माया रेगेव अब आजाद है, और कैद से बाहर आने के बाद माया रेगेव ने हमास के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर नेतन्याहू भी हैरान है। इक्कीस साल की बंधक माया रेगेव का वीडियो माया ने हमास के बारे में क्या बताया, हमास ने माया के साथ कैसा सलूक किया, माया के साथ 7 अक्टूबर के उस सुबह क्या हुआ था। माया को हमास ने कैसे किया था अगवा, इक्कीस साल की मासा रेगेव से जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और पक्ष का पता चलता है। आपको आगे इजराइल बंधक संकट से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इनसे पहले माया रेगेव की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिवल में थी। लेकिन अब लौटी है तो बैसाखी के सहारे। बंधकों को वापस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का यह वीडियो देखिए, जो हमास की उन सारे कायदों की धज्जियां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। माया रेगेव 50 दिनों तक मौत की सुरंग में रही, 50 दिनों तक हर पल मौत सामने नाचती रही, 50 दिनों तक तड़पती रही फैमिली से मिलने के वास्ते, 50 दिनों तक बहते रहे माया रेगेव की आंखों से अनवरत आंसू। और फिर आई इजरायली गर्ल माया रेगेव की लाइफ में वो सुबह जब वो आजाद हो गई, अंधेरे बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आजाद। अपने देश इजरायल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल हुई, अपनी बेटी के लिए तड़पती मां के कलेजे की प्यास बुझी। माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया। माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया था। उस वक्त फेस्टिवल के बीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग रही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था। उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, वो लगातार उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे, लेकिन इतने में फोन कट गया। इसके बाद माया के पिता लगातार गाजा की सीमा के पास मौजूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोजते रहे, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद इलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला। इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लड़ाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था। फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी, वो लोग मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे गोली मारी है, हम मर जाएंगे, मैं कार में छिपी हुई हूं, वो हम पर गोली चला रहे हैं। היא צועקת לי בעמוק, בהיסטריה, אבא תבוא, יורים עליי, אבא יורים עליי, אני מתה. חמאס
हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी ना मर्द औरत देखा। जो भी पकड़ा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने, जिसे जी चाहा मारा पीटा और एक लड़की की बॉडी तो पूरे गाजा में निर्वस्त्र करके घुमाया। माया रेगियो के पैर जख्मी है। माया के साथ जो 12 और बंधक इजरायली कैद से रिहा हुए हैं इनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। हमास के कैद से आजाद हुई 5 साल की रज अपनी 3 साल की बहन अवीव और मां के साथ बंधक थी। इजराइल हमास के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक ये सीज फायर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा। हर दिन 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज फायर एक दिन और बढ़ जाएगा, मतलब 5 दिनों में कुल 60 बंधक छोड़ने का सौदा हुआ है। इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे। कुल 240 लोगों को 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से उठा लिया था। इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हमास अब जत्था बनाकर इन बंधकों की रिहाई कर रहा है और बदले में इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं। गाजा में गोली बारूद बंदी से शांति दिख रही है लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि इजराइल ने 2 टूक कहा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक जंग जारी रहेगी। मतलब जैसे युद्ध विराम की मियाद खत्म होगी इजराइल गाजा पर फिर से टूट पड़ेगा। रिहाई के बाद भीषण युद्ध, पहला कारण यह इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बावजूद इजराइल का पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा अब तक बाकी है। दूसरा कारण, गाजा के दक्षिण में खान यूनिस शहर पर भी कब्जा बाकी है। तीसरा कारण, हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक युद्ध जारी रहेगा क्योंकि हमास किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि संघर्ष विराम के बाद भी इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंधकों को भी छुड़ाया जाए और कब गाजा का ऑपरेशन खत्म किया जाए। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF इस वक्त गाजा में मौजूद है। टैंकों की पहरेदारी गाजा से हटाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि ना तो हमास को इजराइल पर पूरा भरोसा है कि सारे बंधकों को सुरक्षित रिहा करेगा, ना हमास को भरोसा है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी दोनों सीज फायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांग पूरी होती रहेगी। इजराइल का ताजा बयान है कि सीज फायर के बाद गाजा से लेकर कतर तक हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। हमास इजराइल के इस ऐलान को सुन चुका है और हमास भी ये जता चुका है कि उससे भी जब मौका मिलेगा वो इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला करेगा। जाहिर है दुश्मनी के बीच सिर्फ सीज फायर आया है और वो भी बिना भरोसे वाला। रिहाई के बाद भीषण युद्ध, जानकारों का मानना है कि हमास युद्ध विराम के तहत खुद को संगठित कर रहा है। हमास के टॉप लीडर खुद के लिए बेहद महफूज जगह की तलाश कर रहे हैं। इजराइल की हमास के खात्मे के साथ लेबनन के हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोहियों को भी नस्तो नाबूद करने की प्लानिंग है। लिहाजा इजराइल कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके बंधकों को छुड़ा लिया जाए। इजरायली विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो गाजा शहर पर नियंत्रण की लड़ाई हफ्ते भर से 10 दिनों तक और चलेगी। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि हो सकता है कि सीज फायर के बाद इजराइल का ध्यान गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके की तरफ होगा। इजराइल का मानना है कि याया सिनवार और मोहम्मद दईब जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ गाजा पट्टी के दक्षिण में कहीं हैं। शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी मौजूद हों। गाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा
दक्षिण की ओर चला गया है। दक्षिण के इलाके में लोग अटे पड़े हैं, उनमें बहुत से लोग डरे सहमे और बेघर हैं। ऐसा लगता है कि वहां एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी अपने होने का इंतजार कर रही है। अल मवासी के रेतीले मैदानों के बीच टेंटों में ठूंसे सैकड़ों फिलिस्तीनियों का मंजर दुनिया को इस मानवीय संकट की ओर निगाहें दौड़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। सात अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग 17 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में पहले से भीड़ भाड़ वाले शिविरों में पनाह ले रखी है। युद्ध विराम की तारीख खत्म होते ही इन लोगों के सिर पर इजराइल की बंदूकें तान दी जाएंगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच को सुनिए। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे। इजराइल के लिए ये सैन्य जरूरत बन गया है। जिस तरह गाजा शहर के नीचे हमास का नेटवर्क है, ठीक वैसे ही खान यूनुस और रफा में भी हमास के लड़ाके फैले हुए हैं और वहां उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इजराइल इस बार हमास से सदा सदा के लिए निपटारा चाहता है और हमास के खिलाफ इजराइल को नेस्तो नाबूद करने के अब तक के बीच आता रहा है बंधक संकट। बंधकों में कई विदेशी होने की वजह से और खुद इजराइल में विरोध प्रदर्शन होने से नेतन्याहू ने हमास से युद्ध विराम तो कर लिया, लेकिन युद्ध तो तभी खत्म होगा जब हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए। इंतजार कीजिए सीज फायर को बीत जाने का और इजराइल के हमास के खिलाफ फिर से जोरदार हमले का, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है।